जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियाँ। राज्य भर में मनाई गई छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, समाज कल्याण विभाग में लिया कार्यक्रम। और नांदेड़ के अम्बेडकरवादी मिशन ने ली MPSC UPSC की पूर्व परीक्षा। सामाजिक रूढ़ी परंपराओं को नकारते हुए की अनोखी शादी, बोधि वृक्ष लगाकर किया सादगी से विवाह। समाज कल्याण विभाग और उप विभागीय कार्यालय पर ताला लगाने पहुंचे भूमि मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, जिलाधिकारी ने चर्चा कर मामला सुलझाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जिनकी जयंती अवसर पर नांदेड़ में अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र की ओर से जुलाई से दिसंबर दरमियान होने वाले MPSC UPSC की राज्य स्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा आज ली गई। इस अवसर पर मुंबई के महेंद्र बारसागड़े इनके हाथों पंचशील ध्वज लहराया गया और भदंत सुमेध बोधि ने सभी को पंचशील दिया। साथ ही इस दौरान मिशन के प्रमुख दीपक कदम भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने परीक्षा के बारे में जानकारी दी। मैं 2011 से अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़ा हूं और बहुत अचरज की बात है और आश्चर्य की बात है कि अभी तक मिशन केंद्र से अभी तक 100 से ऊपर विद्यार्थी UPSC में चुने गए हैं और वो अधिकारी बनके, बल्कि अम्बेडकरवादी अधिकारी बनके वो कार्य कर रहे हैं। दीपक कदम साहब के कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे? दीपक कदम साहब का कार्य बहुत सराहनीय है और अम्बेडकरी आंदोलन के लिए वो एक माइलस्टोन है। अम्बेडकरवादी आदमी तैयार करना, इससे बड़ी और कोई बड़ा काम समाज में नहीं हो सकता। आज राजर्षि शाहू महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज अम्बेडकरवादी मिशन की स्टेट लेवल की ये प्रवेश पूर्व परीक्षा होने जा रही है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के सभी जाति प्रवर्ग के हजारों स्टूडेंट्स इसमें सहभाग लेंगे और इसमें जो स्टूडेंट्स चयनित हो गए उसमें लगभग 300 SC ST OBC NTD NT स्टूडेंट्स को, गर्ल्स और बॉयज़ को हम यहाँ पर चुनेंगे और जिनको अगले 6 महीने के लिए हम यहाँ पर जो MPSC और UPSC के जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसके जो यानी पूरी तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर करके ली जाएगी। सर, कितने छात्रों ने इससे अंदर हिस्सा लिया सर? इसमें तो अभी हज़ारों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस साल भी हज़ारों स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र से और एडजेसेंट स्टेट से भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं तो वो आ रही है। सर, इस साल 30 छात्र UPSC में चुने गए, सर क्या कहेंगे इस बारे में आप? महाराष्ट्र में SC प्रवर्ग में जो स्नेहल लोखंड है वो महाराष्ट्र में टॉपर है अम्बेडकरवादी मिशन का लड़का, और इसमें 30 स्टूडेंट्स हमारे इस साल UPSC में चुने गए, उसमें से 15 स्टूडेंट SC कम्युनिटी के और उसमें से भी 12 स्टूडेंट महाराष्ट्र से है और जम्मू कश्मीर से लेकर यानी हर राज्य से मिशन केंद्र के माध्यम से जो है तो उसमें स्टूडेंट्स चुने हैं इस साल। तो एक इसका अगला एक अलग वैशिष्ट्य हम कह सकते हैं। तो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो उसमें से यानी सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश भर के जो बहुजन समाज के स्टूडेंट हैं वो इसमें लगातार हिस्सा ले रहे हैं और लगातार इसका मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए सिर्फ ऑफिसर नहीं, अम्बेडकरवादी ऑफिसर बनने की कोशिश हो रही है। 26 जून शाहू महाराज जयंती, इस दिन को सामाजिक न्याय दिन के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग की ओर से वाशिम के सामाजिक न्याय भवन में कार्यक्रम आयोजित कर सभी ने शाहू महाराज को अभिवादन किया। महाराष्ट्र के वाशिम में समाज कल्याण विभाग की ओर से सामाजिक न्याय दिन यानी शाहू महाराज जयंती के लिए खास कार्यक्रम सामाजिक न्याय भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें वाशिम जिला परिषद की अध्यक्षा हर्षदा ताई देशमुख और कई मान्यगण उपस्थित थे। साथ ही सभी ने शाहू महाराज को अभिवादन कर सामाजिक न्याय दिन बड़ी उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर कई मान्यवरों ने अपनी बात भी रखी। सर्वांना कामाची गड़बड़ आहे, शाहू महाराज फुले अंबेडकर इनके विचार अपनाने चाहिए। इस दौरान शाहू महाराज के जीवन पर आधारित एक किस्सा भी बताते हुए कहा कि शाहू महाराज की सोच समय से आगे थी। वो रूढ़ी परंपरा के नाम पर होने वाले अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे और उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास था। महाराष्ट्र
विचारवंतों ने सामाजिक न्याय दिन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र की भूमि को शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। शाहू महाराज एक राजा होकर भी जनता की समस्या को समझते थे, वो सचेत राजा थे। सामाजिक रूढ़ी परंपरा और दिखावे का विरोध दर्शाते हुए केवल बोधि वृक्ष लगाकर वाशिम के आसेगांव में एक आदर्श विवाह बौद्ध पद्धति से संपन्न हुआ, जहां समाज को आदर्श विवाह का उदाहरण पेश किया। इस विवाह में समाज में विवाह के नाम पर फैली कुरीतियों को नष्ट कर बुद्ध धर्म के अनुसार सादगी से बोधि वृक्ष लगाते हुए कुछ गिने चुने मेहमानों के बीच विवाह सम्पन्न हुआ। रामकृष्ण बेलखेड़े और सुधाकर भगत इन परिवारों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया। इस दौरान उपविभागीय अधिकारी संजय खड़से मौजूद थे, जिन्होंने इस विवाह की सराहना की। मनीषा सुधाकर भगत यांचा इस अनोखी शादी की सभी ने सराहना की। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने कहा कि जहां एक और युवा बैंड बाजे और पटाखों के शोर में शादी करते हैं, वहीं इस नव दंपति ने बौद्ध धर्म की सीख को आगे ले जाते हुए पौधा लगाया और उसके ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली। ऐसी पहल हर सभी ने अपनानी चाहिए। भूमि मुक्ति मोर्चा की ओर से बुल्ढाणा के समाज कल्याण विभाग व उपविभागीय कार्यालय में ताला ठोको आंदोलन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों से विचार विमर्श कर चर्चा की। केंद्र और राज्य सरकार केवल भूमिहीनों के आर्थिक उत्थान करने की बात करती है, गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। इन नारों के साथ भूमिहीनों ने उपविभागीय कार्यालय में ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर उन्हें समझाया कि सामाजिक न्याय दिन पर कार्यालय को ताला लगाना अवमानना होगी, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन पीछे लिया, लेकिन बावजूद इसके अपनी समस्या पर सरकार को घेरा। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के भूमिहीनों के आर्थिक उत्थान करने की भाषा करती है, देश के गरीबों का आर्थिक स्तर ऊंचा करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उनका धोरण बना हुआ है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को लेकर पूरे देश के भूमिहीनों को न्याय नहीं दिया है। इसलिए आज हमारे संगठन की ओर से इस बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के इस आंदोलन को लेकर आज राजर्षि शाहू महाराज के जयंती के अवसर पर हमारा संगठन के नेताओं ने इस सामाजिक न्याय भवन को ताला ठोककर सरकार को इशारा देने के लिए इस आंदोलन की तैयारी की थी, लेकिन आज बुल्ढाणा जिले के कर्तव्य दक्ष जिलाधिकारी साहब इनके साथ जो संगठन के प्रमुख नेताओं की बहस हुई, उस बहस के दरमियान माननीय जिलाधिकारी साहब ने जो आश्वासन दिया है कि आज का दिन सामाजिक न्याय दिन है और सामाजिक न्याय दिन के इस दौरान आपके आंदोलक अगर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन को अगर ताला लगाते हैं तो ये शायद बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान होगा, राजर्षि शाहू महाराज का अपमान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ। नासिक शहर के जयभीम शादी .com बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो के प्रथम वर्धापन दिन के उपलक्ष में 10वीं एवं 12वीं के उच्च श्रेणी प्राप्त गुणवंत छात्र और पालकों का गुण गौरव सत्कार किया गया। नासिक शहर में स्थित जयभीम शादी .com यह एक बौद्ध विवाह संस्था है, जिसका निर्माण बौद्ध समाज के सभी विवाह इच्छुक उम्मीदवार योग्य जीवन साथी आसानी से पाने के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में किया गया है, जिसमें करीबन भारत के सभी क्षेत्र एवं विदेशों में स्थित भारतीय उम्मीदवारों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बस एक ही साल में इसका विस्तार 13,000 से भी ज्यादा सदस्य के रूप में हो चुका है। 24 जून 2017 को राजगृह बुद्ध विहार राजीव नगर नासिक में प्रथम वर्धापन समारोह का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष में 10वीं और 12वीं में विशेष यश प्राप्त छात्र और छात्राओं का और उनके पालकों का सत्कार किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डेप्यू कमिश्नर कुमार चौधरी, क्राइम ब्रांच नासिक एवं डेप्यू कमिश्नर कोकाटे साहेब, नासिक शहर पुलिस के हाथों पुरस्कार के स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर लिखित बाबा साहब नस्ते तर ये किताब, पेन प्रमाण पत्र और नगद राशि से सम्मानित किया गया। इस दौरान जय भीम शादी के संस्थापक संचालक माननीय अभिजीत जोपुलकर, इन्होंने उपस्थित सभी का मार्गदर्शन किया। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने उनसे खास बात की। सभी बौद्ध भाईजनों को, बहनों को हमारा सभी ने जय भीम, मैं अभिजीत जोपुलकर, जय भीम शादी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, 24 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अभी हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि
हमारे दूसरी जो कंपनियां हैं वो मनुवादी लोगों की कंपनियां हैं, वैसे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो हमारे दिमाग में एक साल पहले ये सब चीज़ आई कि क्यों ना हम लोग बुद्धिस्ट लोगों के लिए अपना ये प्लेटफॉर्म शुरू करें, जहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ बुद्धिस्ट लोग एक दूसरे के लिए करें, जिससे कि अपना जो इनकम होगा, जिससे कि अपना जो सर्कुलर होगा, ये सब अपने कम्युनिटी में ही रहेगा। जय भीम शादी के रिलेटेड हम लोगों ने अभी ये जो संस्था चालू की है, तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ लड़का और लड़की एक दूसरे को यहाँ पे पसंद कर सकते हैं, और बाकी का जो अपना ट्रेडिशनल वे है, जैसे कि देखना, एक दूसरे के घर पे जाना, ये सब चीज़ें आपको अपने आप ही खुद ही करनी है। तो इसलिए आज ये जय भीम शादी के वर्धापन दिन के अवसर पर मैं आप सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दूसरे कंपनियों की तरफ रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी कंपनी के बारे में एक बार तो भी सोचिए, जिससे कि अपना ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है और सारे जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 13,000 से ज़्यादा प्रोफाइल और वो भी पूरे वर्ड से तैयार किए हुए हैं। तो जैसे कि अपने कुछ बच्चे लंदन में पढ़ने के लिए गए हैं, अमेरिका में काम करने के लिए गए हैं, दुबई में सेटल होने के लिए गए हैं, वो लोगों को भारत में आके लड़कियां देखना और वो भी समाज की लड़कियां देखना बहुत ही असंभव था। बट अभी उनके जैसे जैसे हम लोगों को फ़ोन आ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो ये अपने कम्युनिटी के लिए एकदम बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है। आप सब लोगों का हमें आशीर्वाद चाहिए, हम लोग इससे भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, और ये वर्धापन दिन के अवसर पर आप सब लोगों ने हमें सहयोग किया, इसके कारण मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम शादी को आप रजिस्टर कीजिए, जय भीम शादी को आप फैलाव कीजिए, ताकि हमारे सारे कम्युनिटी के लोग इसमें ज्वाइन करें और देखें कि क्या है जय भीम शादी और ये कम्युनिटी का अपना खुद का प्लेटफॉर्म कैसा बना हुआ है। धन्यवाद। जय भीम। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति समविचारी व संगठन की ओर से नांदेड़ में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटिल ने जिला कार्यकारिणी बढ़ाने और संगठन मजबूत करने हेतु इस विषय पर मार्गदर्शन किया, जहां डॉक्टर हंसराज वैद्य, रंजना खटके, डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे, सम्राट हटकर सहित समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। तक हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहने वाली है। अविनाश जी पाटिल जी यहाँ आए हैं और हमारे आगे जो हम काम करेंगे, यहाँ जो काम करना चाहिए उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने आए हैं। हम यहाँ उनके मार्गदर्शन के तौर पे पूरे ध्यान देके हम हमारे यहाँ की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पूरा काम करने वाली है। ये बहुत ही उपयुक्त बैठक है, क्योंकि इसमें जो हमें अनेक प्रोग्राम का अनेक कार्यक्रम जो करने के लिए कहा गया है, और इसके आगे भी जो कार्यक्रम करने वाले हैं, हम महिलाओं के लिए भी, इतना ही नहीं केवल अंधश्रद्धा के बारे में ही नहीं, तो हम सामाजिक उपक्रम भी इसमें करने जा रहे हैं। जैसे कि नांदेड़ में हम आज देख रहे हैं कि प्लास्टिक से बहुत सा कचरा हो रहा है, तो अंधश्रद्धा की ओर से हम ये कचरा मुक्ति और प्लास्टिक मुक्ति जो है इसके बारे में भी काम करने वाले हैं, और जो प्रोग्राम अविनाश सर और भी कहेंगे उससे भी हम जुड़ेंगे, वो भी हम करेंगे। जनता की बात रखने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी ने मेरी बात इस कार्यक्रम की शुरुआत जय भीम इंडिया में की है। इसमें आज के हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से डॉक्टर चारुशीला जाधव, जो कि ज्येष्ठ समाज सेवक दत्ता जाधव की लड़की है। दत्ता जाधव की पत्नी विद्या जाधव, जो कि सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी, उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में संघर्ष फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हेमाली डाबी इन्हें सावित्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी डॉक्टर चारुशीला इन्होंने दी, जो मेरी बात इस सेगमेंट में आज का मुख्य आकर्षण है। मैं डॉक्टर चारुशीला, संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किए गए, विद्या जाधव विद्यार्थी परिवार द्वारा आयोजित किए गए, संबोधि फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए एक विचार मंथन प्रोग्राम में आप सबको निमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले ये विद्या जाधव स्मृति प्रीत्यर्थ ये जो प्रोग्राम रखा है, इसके डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये विद्या जाधव असल में कौन था।
विद्या जाधव जी एक ऐसी लड़की थी 1959 में करनाल जैसे छोटे से गांव में जन्मी हुई एक लड़की, जिसको ना खाने को मिल रहा था ना रहने को घर था। बहुत ही गरीबी परिस्थिति में इन्होंने जन्म लिया था। इसके बावजूद उनकी पढ़ने की जो मनोकामना थी वो बहुत आगे हो रही थी, इसीलिए वो पढ़ना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। मोल मजूरी करके, सेंट्रिंग के यहाँ पे काम करके उन्होंने मैट्रिक तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो एक शिक्षिका का कोर्स करने लगी। कठिनाइयां तो बहुत आई पर फिर भी ये लड़की कुछ कर रही थी, कुछ करना चाहती थी। उसी दौर में 1969, 1977, 1978 में दलित पैंथर का एक जो वातावरण है वो पूरे देश में फैल रहा था। एक नवयुवक, 25 साल का एक नवयुवक जिसका नाम था दत्ता जाधव, वो उनके लाइफ में आ गया और ये लड़की जिसका नाम पहले फुलाता ही था वो उससे बन गई विद्या जाधव। उसके बाद इन दोनों ने मिलके एक जो सामाजिक कारवा चलाया वो बहुत ही प्रशंसनीय था। अपने लाइफ का एक पूरा हिस्सा उन्होंने समाज के लिए योगदान किया। दत्ता जाधव जी ने दलित पैंथर से लेकर बहुत सारी सोशल मूवमेंट में अपना योगदान दिया। विद्या जाधव जी ने उसके बाद सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली। झोपड़पट्टी जैसे गांव में रहने वाली बहुत सारी लड़कियों को शिक्षा देने का काम उन्होंने किया। रोड साक्षरता वर्क के द्वारा औरतों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया। उनके मन में एक पढ़ाई की ज्योत जगाई। 1978 से 2014 तक पूरी 36 साल की सर्विस उन्होंने की। इनमें सिर्फ पढ़ाना उनका मकसद नहीं था, तो जो बच्चे हैं वो सदमार्ग पे चले, अच्छे मार्ग पे चले, ये उनकी मनोकामना थी। राष्ट्रीय एकात्मता फेलोशिप, आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार, ऐसे कई नामांकन उनको मिले हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये नामांकन उनके लिए यह है कि उसके सारे विद्यार्थी, उसके सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम के द्वारा इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को का स्तर बढ़ा रहे हैं। जो बोलते हैं कि अपने सारे लाइफ का डेडिकेशन जो अपनी टीचर को मानते हैं, तो ये योगदान सबसे बड़ा है। 7 मई 2014 में आकस्मिक ये जो बुरी घटना हुई इसका परिणाम सिर्फ हमारे फैमिली पे नहीं हुआ, पूरे समाज का नुकसान हुआ है। उनके साथ जो हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस बात का पता तो अपनी न्याय व्यवस्था लगा के रही है। बल्कि मुझे ऐसे कहना है कि मम्मी का एक वर्ड था, जो अच्छे करेंगे उनके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेंगे उनके साथ बुरा ही होगा। तो अगर किसी ने मम्मी के साथ जातिवाद की भावना से बुरा बिहेवियर रखने की कोशिश की है, दबाव में रखने की कोशिश की है, तो इसका नतीजा निकल के रहेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसी एक विद्या के लिए हम लोग कुछ करना चाहते थे, इसीलिए ये संघर्ष फाउंडेशन इकट्ठा हुआ, उसके विद्यार्थीगण इकट्ठा हुए और ये प्रोग्राम हम लोगों ने मिलके बनाया है, जिसमें हेमाली दाबी जी जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, जिनकी बेटी टीना दाबी जो यूपीएससी 2016 में इस देश में यूपीएससी में टॉप किया है, उन्होंने ये इतिहास बनाने के लिए उनको जिनका सपोर्ट मिला वो हेमाली दाबी जी, उनको
हमने सावित्री पुरस्कार से उनका हम लोग फेलिसिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो एक इतिहास है, सब लोगों के लिए आदर्श है। आज ऐसी हजारों डीनाएं समाज में निर्माण हो, इसके लिए उनके कार्य का हम लोग गौरव करना चाहते हैं। आईएएस जो श्याम तागड़े सर है, उनको हम लोग इस प्रोग्राम के लिए बौद्ध धम्म के ऊपर विचार मंथन करने के लिए बुला रहे हैं। जो सुषमा अंधारे मैडम जी है, उनको हमने अम्बेडकर एट मूवमेंट की जो फीमेल है उसका क्या योगदान है और उसको क्या करना चाहिए, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, इसके ऊपर कुछ भाष्य करने के लिए बोला है। इसके बाद जो डॉक्टर विनय काटे हैं, जिन्होंने आईआईएम से अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद से पीजीडीएम का कोर्स भी किया है एमबीबीएस होने के बावजूद, जो राजकीय और सामाजिक विश्लेषक हैं, उनको लोकशाही डेमोक्रेसी की प्रेजेंट कंडीशन और उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए विचार मंथन करने के लिए, विचार विवेचन करने के लिए हमने उनको बुलाया है। इस प्रोग्राम में दत्ता जाधव जी ने कुछ मार्गदर्शन करेंगे। ये प्रोग्राम राजश्री शाहू स्मारक भवन में 28 जून 2017 में ठीक 5 बजे आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम को आना आपकी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है। ये प्रोग्राम सिर्फ अब एक फैमिली का प्रोग्राम नहीं रह चुका है, ये एक सोशल मूवमेंट बन चुका है। इसके लिए आप सबको आना आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। ये अपना प्रोग्राम है, तो इसके लिए आने के लिए मैं आपको आवाहन करती हूँ वापस से। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गंदगी का आलम छाया हुआ है, जिस कारण कई समस्याओं से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर लोगों ने आंबेडकर सामाजिक कार्यकर्ता किशनपाल बौद्ध के नेतृत्व में आक्रोश पदयात्रा निकाली, जहां मौजूद हमारे संवाददाता कमल ताइडे इन्होंने किशनपाल से बात कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। हम लोग खड़े हैं न्यायखंड थर्ड में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर बहुत सारी आम समस्याओं को लेकर किशन पाल जी यहाँ पर घर घर घूम रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य समस्या समझ में आई है कि पिछले 14-15 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और अपना पूरा पेमेंट देने के बाद भी डीडी की ओर से यहाँ पर नोटिस आ रहा है मकान खाली करने का। इससे ये जान पड़ता है कि एक परसेंट सरकार ऐसे गरीब लोगों को लूट रही है, पैसा भी ले रही है, उसके बाद जीडीए यहाँ पर नोटिस भी दे रही है उनको घर खाली करने का। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत सारी समस्याएं। मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ क्षेत्र का, जो भी छोटी मोटी समस्या होती है उनसे लड़ता रहा हूँ और मैं 14-15 साल से यहाँ पर रहता हूँ। मैंने 14-15 साल में एक चीज़ देखी कि ये जो फ्लैट है जनता फ्लैट जिसमें गरीब समाज रहता है, ये जीडीए से एक स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने अलॉट करे थे गरीबों के लिए। और एक स्कीम थी कि भाई ये जो है 66,000 इसकी कॉस्ट फ्लू लेटर के अंदर, और वो भी इंस्टॉलमेंट में, कि भैया पर महीने आप जो है थोड़ा थोड़ा करके 600 रुपये या 700 रुपये जमा करते रहे और आप मकान में रहते रहिए, पोजीशन दे दिए। पर उसमें क्या है कि जो मकान अलॉट करा गया उसमें ना तो सीमेंट, ना तो फर्श था, ना नलके थे, ना दरवाजे थे, ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई कुछ भी नहीं था उसमें। तो वो गरीब आदमी बेचारा उस मकान में रहता, रहने लायक बनाता या उसकी मकान की किस्त भरता, तो इस कारण वे जो गरीब लोग थे वो किस्त नहीं दे पाए। और आज जीडीए में जाते हैं तो जीडीए के लोग उनको धमकी देते हैं कि तेरा मकान कैंसिल हो गया है, और वो कहते हैं साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा। उसके बाद भी जो वो कहता है कि भाई ठीक है इसका एक रास्ता है, इसका जो तेरा ड्यूज निकल रहा है वो 3.5 लाख रुपये निकल रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने एक गरीबी रेखा के नीचे लोगों को फ्लैट अलॉट करे थे जिसकी कॉस्ट कुल 66,000 रखी थी, आज वो 3.5 लाख कर दी, ऐसा कौन सा किस्म का ब्याज लगा रहे हैं गवर्नमेंट? तो ये तो गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। और दही जीडीए के बाद जीडीए में तनखा थी, आज वो अरबपति बना बैठा हुआ सर, वो गरीबों का खून चूस के बना हुआ है। ये जनता फ्लैट में जो गरीब लोग रहते हैं वहाँ जाते हैं, उनका उनसे रिश्वत मांगता है कि फाइल देखनी है तो 10,000 रुपये लूँगा, रिश्ती करानी है तो 2 लाख रुपये लूँगा। अब गरीब आदमी क्या कैसे तैसे कर्ज पानी करके अपने मकान को बचाता है, बच्चे के घोंसलों को बचाता है, और उनको 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये देता है, क्या करें? नहीं तो मकान उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो बेचारे गरीब नहीं दे पा रहे उनके पास नोटिस आ रहे हैं मकान कैंसिल करने के लिए। ये तो यहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यहाँ पर ये हो रहा है। योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसका विकास हो रहा है? रईसों को हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा। गरीब तो कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है, उनको घर से बेघर करा जा रहा है। तो मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ
योगी सरकार से भी और मोदी सरकार से भी कि अगर आपने वास्तव में गरीबों का और सबका विकास चाहते हो तो जनता फ्लैट में जो गरीब लोग रहते हैं उनके मकानों को फ्री होल्ड करो, क्योंकि भाई वो तो गरीब लोग, उनके पास कहाँ है पैसा। ये 3-3 लाख रुपये और वहाँ पर जो रिश्वतखोरी जो बैठा रखे हैं CDA के अंदर उनकी लगाम कसी जाए। अनलिमिटेड उस पर पैसा लगाकर 3.5 लाख रुपये जो गरीब आदमी यहाँ पर रोज के 6,000 रुपये 7,000 रुपये या 10-12,000 रुपये कमाता है वो अचानक 3.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। एक सोची समझी साजिश के तहत एक अमीरों के विकास की बात हो रही है, गरीबों का यहाँ पर सरकार शोषण कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता फ्लैट्स में सभी गरीब तबके के लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना घर बसर चला रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है न्यायखंड थर्ड। मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से कमल ताइडे कैमरामैन राजेश कुमार जी के साथ सुशील जी के साथ। संघर्ष फाउंडेशन की ओर से ज्येष्ठ समाज सेवक दत्ता जाधव इनकी पत्नी विद्या जाधव के स्मृति दिन के उपलक्ष्य पर कोल्हापुर में स्थित शाह स्मारक में संघर्ष फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां हेमाली डाबी इन्हें सावित्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर चारुशीला जाधव और दत्ता जाधव इन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी को दी। श्याम तागड़े IAS एक प्रधान सचिव आहेत अल्पसंख्याक विभाग मंत्रालय मुंबई इथे। तेही आपल्याला बाबासाहेबांनी दिलेला गौतम बुद्धाचा धम्म सद्यस्थिती आणि आता काय वाटचाल आहे या विषयावर ते आपलं व्याख्यान देणार आहे। सुषमा अंधारे ह्या ज्येष्ठ विचारवंत आहेत, त्या आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रिया योगदान सत्यस्थिती आणि आव्हाने या विषयावर आपले विचार मांडणार आहेत। त्याचप्रमाणे विनय काटे राजकीय सामाजिक विश्लेषक आहेत, ते लोकशाहीची दिशा परंतु आज कशी दशा झालेली आहे लोकशाहीची यासंबंधी आपले विचार तेथे मांडणार आहेत। आणि ज्याचा सत्कार करतो आहे हेमाली डाबीचा, त्या उच्च शिक्षण स्पर्धा परीक्षा आणि आपल्या आयुष्याच्या पूर्णत्वकडील वाटचाल या विषयावर ते आपले विचार व्यक्त करतात। अशा प्रकारे हा कार्यक्रम 23 तारखेला शाहू स्मारक भवनमध्ये 5 वाजता आहे। तेव्हा या कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकांनी, जनतेने, आंबेडकरीवादी लोकांनी तसेच फुले शाहू आंबेडकरवादी प्रेमींनी प्रचंड संख्येने हजर राहून या कार्यक्रमामध्ये सहभाग दाखवावा अशी मी विनंती करतो। जय भीम, आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विद्या जाधव स्मृति प्रीत्यर्थ, जो सावित्री पुरस्कार प्रदान सोहळा और विचार मंथन विचार विवेचन जो रखा है इस प्रोग्राम के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। संघर्ष फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है 28 जून 2017 को ठीक 5 बजे राजश्री शाहू स्मारक भवन दसरा चौक यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये प्रोग्राम विद्या जाधव जी जो 36 साल से एक शिक्षिका एक मुख्याध्यापिका करके काम कर रही थी, दिल लगा के पढ़ रही थी, राष्ट्रीय लेवल पे जिनको अध्यापिका पुरस्कार, आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार, आदर्श शिक्षिका पुरस्कार से नामांकित किया गया है, अचानक से 3 साल पहले वो हमको छोड़ के चली गई और इसके प्रत्यर्थ ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके लिए हेमाली दाबी जी जो खुद एक IAS ऑफिसर हैं, जिनकी बेटी ने टीना दाबी ने UPSC परीक्षा यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 की परीक्षा में देश में पहले आकर इस देश का एक इतिहास रचा दिया, एक आदर्श निर्माण कर दिया देश के लिए, इनको एक सावित्री पुरस्कार से हेमाली दाबी जी को जो इनकी माँ है और एक आदर्श शिक्षिका भी है इनको सावित्री पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके लिए 1991 बैच के IAS ऑफिसर आयुष्मान श्याम तागड़े जी जो अभी प्रधान सचिव अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय मुंबई में कार्यरत है, जो बौद्ध धम्म पे बहुत विचार विवेचन कर चुके हैं। पिछले 2 महीनों से एक बाघिन का आतंक चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील में छाया है, जिसके डर से गांव के लोग घर से बाहर निकलने के लिए कतराते थे।
आखिरकार इस बाघिन को मारने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में चंद्रपुर मुख्य वन रक्षक कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया गया, जिसके बाद बाघिन को मारने के आदेश वन विभाग की ओर से दिए गए। गले में ढोलकी और जुबा पे नरभक्षी बाघ को मारने की मांग कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार कर रहे हैं, जिनके साथ उनके कुछ कार्यकर्ता भी है और बाघिन के आतंक से परेशान कुछ नागरिक भी। दरअसल पिछले 2 महीने से ब्रह्मपुरी तहसील में एक बाघिन ने आतंक मचा रखा है। जंगल को छोड़ ये बाघिन खेतों में आ गई है, जो गाँव वासियों पर साथ ही किसानों पर हमला कर रही है। साथ ही इस बाघिन ने कई मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है, जिससे डरे सहमे किसान खेत में जाने से डरते हैं और लोग घरों से बाहर निकलने को भी डरते हैं। इस बाघिन के बढ़ते आतंक से परेशान लोगों ने कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में चंद्रपुर मुख्य वन रक्षक कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया, जिसके महत्व को समझते हुए वन विभाग की ओर से बाघिन को मारने के आदेश दिए गए। गावांगावांमध्ये फार प्रचंड अशी भीती आणि गांव-गांव में वाघिन का डर छाया हुआ है, जिसके बाद सभी नागरिकों ने अपनी समस्या को लेकर वन विभाग कार्यालय सामने ठिया आंदोलन करना शुरू किया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस पर ठोस कदम उठाते हुए इस वाघिन को मारने की हमारी मांग मान ली और अभी सीसीएल वाइल्ड लाइफ की ओर से ये आदेश जाहिर किया गया। इसके बाद वन विभाग की ओर से भी इसके संदर्भ में जानकारी दी गई। संदर्भात आपल्याला कल्पनाच आहे की इसके बारे में हमें जानकारी है कि हमने वन विभाग की ओर से बैठक ली, जिसके बाद सीसीएल वाइल्ड लाइफ को हमने प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद सोच विचार कर सीसीएल वाइल्ड लाइफ की ओर से बाघिन को मारने की सीसीएल वाइल्ड लाइफ ने मंजूरी दी। हम आपको बता दें कि बाघिन का एक बच्चा भी है जो फिलहाल उससे बिछड़ गया है, जो कि अपने इलाके को बरकरार रखने के लिए ये हमला कर रही है। टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र विकिपीडिया में दर्ज 2015 की बाघों की जनगणना के तहत महाराष्ट्र में कुल 190 बाघों की संख्या दर्ज की गई है, जो अभी बढ़ने के कागार पर है। एक वक्त ऐसा भी था जब देश में बाघों की कमी के कारण जंगल का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया था, जिसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए थे, लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ गई है तो उन्हें मारने के आदेश खुलेआम दिए जा रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? क्या इसलिए कि बेजुबान जानवर अपना पक्ष नहीं रख सकते? जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम।